हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित और इम्पैक्ट हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की ये वीडियो है कि आखिर क्यों टीएनए रेसलिंग कंपनी का नाम बदल कर इम्पैक्ट रेसलिंग रख दिया गया था। आप लोगों के पिछली कुछ वीडियो में मैंने कमेंट्स देखे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें वापस जाना होगा सन 2002 में, जब WWF का नाम बदलकर WWE रखा गया था और WWE ने WCW को खरीद लिया था। और वहीं से शुरुआत हुई थी दोस्तों TNA रेसलिंग कंपनी की, जिसका स्टार्टिंग में नाम रखा गया था NWA TNA, यानी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन। और इसके 2 साल बाद यानी कि सन 2004 में इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसको रखा गया TNA इम्पैक्ट रेसलिंग, और यही नाम काफ़ी सालों तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, इसके काफ़ी समय बाद 2017 में यानी कि आज से 2 साल पहले ग्लोबल फोर्स रेसलिंग को TNA इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी ने खरीद लिया। और दोस्तों, तभी से इसके नाम में एक छोटा सा अपडेट और आया और इसका नाम TNA इम्पैक्ट रेसलिंग से इम्पैक्ट रेसलिंग हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह से इसका नाम NWA TNA से TNA इम्पैक्ट और उसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग हो गया। और अगर आपको TNA इम्पैक्ट रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।